और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। बाज़ार में जिस प्रकार से काफ़ी दिनों से गिरावट है, तो ऐसे में जो रिटेल निवेशक होते हैं उनका पैसा फंस जाता है। और संभवतः मैंने पिछले कई दिनों से गवर्नमेंट जब बनी नई और बजट के पहले से भी मैं सबसे कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि कभी पूरा पैसा ना लगाएं और कुछ कैश अपने पास हमेशा बचा के रखें। अब होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास कुछ कैश है, तो मान लीजिए हमने आधा भी जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारा बजट रहता हो मंथ का या जो भी लमसम रहता हो, तो नो डाउट जो भी हमने कंपनियां ली होंगी उनमें काफ़ी गिरावट है। और जो अगर कुछ माइक्रो कैप कंपनीज़ होंगी तो वो काफ़ी टूट भी चुकी हुई होंगी, काफ़ी उसमें 50% तक भी कुछ कंपनियां टूट चुकी हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी सी निराशा मैं समझता हूँ कि रिटेल निवेशक के मस्तिष्क में घर कर जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब हमारे पास जो भी कैश है या छोटी अमाउंट भी है, या अगर हमारे पास फ्रेश पैसा है, या हमने अगर इतने धैर्य के साथ पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, या फिर हमारे पास मंथली जो भी हम काम करते हैं उससे हमारा एक पूंजी हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो जनरेट हो रही है तो उसको आप अगर डायरेक्ट इक्विटीज़ में निवेश कर रहे हैं, तो क्या हो कि जो हमने माइक्रो कैप कंपनीज या जो भी हमने छोटे स्टॉक प्राइसेस या जो भी कंपनी हमने ली है वो अगर बहुत नीचे चली गई है, लेकिन हमारी क्वांटिटी नहीं कम हुई है, आपने लंबे समय के लिए अगर निवेश किया है तो आप बने रहें। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ऐसे कौन से स्टॉक्स लिए जाएं जो लो रिस्क हो और कम समय में, शॉर्ट टाइम में, हमें जब भी मार्केट थोड़ा सा अच्छा हो तो हमें रिकवरी हो जाए। जैसे मैंने अभी इन्फोसिस के बारे में एक वीडियो बनाया था और तब काफ़ी नीचे था, अभी काफ़ी भाग गया, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए। अभी इसी प्रकार एक कंपनी है आईटीसी लिमिटेड है, और उसमें अभी काफ़ी गिरावट है, उसके रिजल्ट्स भी आने हैं 2 अगस्त को, Q1 के, जून के, तो उसके बाद भी हम निर्णय लेंगे, लेकिन उसके पहले भी हमारी स्थिति साफ़ होनी चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनी है, एफएमसीजी की नंबर वन कंपनी है, तो अगर हमें बड़ी कंपनी भी कोई गिरी हुई मिलती है या काफ़ी नीचे के लेवल पर मिल रहा है, तो हमें उसे लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं, इनमें रिस्क कम होता है, टूटने का खतरा कम होता है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था बजट के पहले भी, और वैसा ही हुआ कि मैंने कहा था कि अगर हमें 52 वीक लो पे आसपास से मिलता है तो ज़रूर बाइंग की जाए। तो नो डाउट अभी भी ये, अभी मैं दिखाऊंगा किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, और हम चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये 300 तक भाग सकता है जब भी इसके रिजल्ट्स या जब भी मार्केट में अच्छी खबर आएगी या मार्केट की जब रैली आएगी। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ कि वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए आईटीसी लिमिटेड है, आज 23 जुलाई 2019 12:22 पर 269.25 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है, 4.85 रुपये की अपसाइड है, और 52 वीक लो बना चुका है 263 रुपये, और हाई था 322 का। तो इसमें भी लगातार गिरावट आई थी, और ये देखिए यहाँ से 305 से, यानी कि 20 मई के बाद से लगातार गिरावट है, और अभी का भाव मैंने बताया ही। तो ऐसी जो कंपनियाँ होती हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, और लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे कि आधा टूट जाए। देखिए 1 साल में रिटर्न नेगेटिव में है, 5% इतना टूट चुका है, और 6 मंथ में भी 7.28% के नेगेटिव में रिटर्न है। पी रेशियो 25 की, EPS 10, और प्राइस टू बुक 5.57, डिलीवरी देखिए कितनी शानदार है, 76% के आसपास है, तो इसीलिए इसमें सब बने हुए हैं, और डिविडेंड पेइंग, अच्छा डिविडेंड पे करता है आपको, फेस वैल्यू इसकी 1 की है। और अगर हम अभी रिजल्ट्स Q1 के 2 के बाद ही दिखा पाएंगे, 2 अगस्त के बाद, लेकिन फ़िलहाल मैं जो वर्तमान है पिछले दिखा देता हूँ। मार्च 2018 से अगर हम मार्च 2019 में कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स में देखिए 12.69% की अपसाइड थी। एक दिग्गज कंपनी इतने अपनी नेट सेल्स को इंक्रीज़ करना, ग्रोथ बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ 10.32% की अपसाइड है, और इंटरेस्ट भी इनका कम हुआ है। नेट प्रॉफिट देखिए 18.73% की अपसाइड है, और मार्जिन मामूली से 0.87% की थोड़ी सी डाउन साइड है। वहीं पे अगर हम Q4 के रिजल्ट्स अगर देखें, December 2018 से मार्च 2019 में कंपेयर करें, तो अगेन यहाँ पे नेट सेल्स 6.38% की अपसाइड पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप 5.68% की अपसाइड है, नेट प्रॉफिट भी देखिए 8.50% की अपसाइड है, मार्जिन यहाँ पे अगेन यहाँ पे 0.39% की थोड़ी सी डाउन साइड है।
तो अच्छे रिजल्ट्स थे और इस कंपनी की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास ज़ीरो है, यानी कि पूरा जो है पब्लिक पे ही है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने होल्डिंग बना रखी हैं, जैसे कि DIIs हो गए, FIIs हो गए, यहाँ पे FIIs की होल्डिंग है 16.75% की, यानी कि 1,098 FIIs इसमें निवेशित हैं। और म्यूचुअल फंड्स की ज़बरदस्त 424 स्कीम्स हैं। इंश्योरेंस कंपनियाँ भी देखिए, इनकी 21.54% की होल्डिंग उन्होंने इंक्रीज़ की हुई है। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियाँ अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें 84% के 85% के आसपास हैं। तो एक दिग्गज कंपनी 5.75 रुपये के हिसाब से डिविडेंड पे किया था 22 मई को। FMCG से इनको 41% की आय है। और सिगरेट से और अदर जो है खाने पीने के बिस्किट्स वगैरह उनसे जो है 22 की, और ये इस पे फोकस कर रहे हैं। एग्री बिजनेस भी है, एग्रीकल्चर से, और आशीर्वाद आटा वगैरह इन्हीं का है। होटल लाइन में भी हैं, तो डाइवर्सिफाई कंपनी है इसमें। और आज़ादी के पहले कंपनी है, 1910 मतलब 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों पे अगर हम निवेश करते हैं, मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर हम सारी माइक्रो कैप कंपनीज ही लेते जाएंगे या ऐसे स्टॉक्स लेते जाएंगे जो हमें आकर्षक करते हैं कि चलो भाई 10 रुपये का है, 15 रुपये का है, 20 रुपये का स्टॉक है, या यस बैंक जैसे है, कुछ अपना पैसा हमें ऐसी कंपनियों में डालना चाहिए, तो क्या होता है थोड़ी सी रिकवरी तो हो जाती है, बैलेंस एवरेज हो जाती हैं चीज़ें अपना पोर्टफोलियो। तो यही बताना था फ्रेंड्स कि इस कंपनी में भी अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अभी मुझे आकर अट्रैक्ट कर रहा है ये स्टॉक, और अभी काफ़ी नीचे है। हाँ, उम्मीद है ऐसी कि जब भी मार्केट अच्छा होगा तो सबसे पहले भागने में, या फिर 2 अगस्त के बाद फिर निर्णायक किश्ती होगी इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनी दिग्गज कंपनी है तो अच्छे ही आने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ। और हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपनी भी सूझबूझ और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक यू।